एक लड़की में हम देखते हैं कि शरद युवराज से कहता है कि वो चिंता ना करे। युवराज सुहानी का सामना करता है कि उसे पता है कि सुहानी ने ही तिजोरी चुराई है और इलेक्ट्रिसिटी के लाइंस भी काट लिए हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो कहती है कि ये सब वो कर रही है ताकि उन्हें पैसे की वैल्यू समझ में आए, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। सुहानी कहती है कि मैनेजर को रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो कहती है कि कंपनी को बेच सकते हैं, लेकिन दादी को ये प्लान अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें दादाजी की कंपनी बेचनी नहीं है। अनुज, सौरभ और युवराज अपनी कंपनी के फाइल्स चेक करके देखते हैं कि उन्हें कितना लॉस हुआ है। उन्हें सुहानी की कंपनी बेचने की आइडिया बहुत अच्छी लगती है। फिर युवराज दादी को मनाने जाता है कि कंपनी बेचना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिससे उनकी सारी मुश्किलें हल हो सकती है। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुहानी कंपनी की नीलामी कैसे कराती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।